हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं SBI के मल्टी कैप फंड की। बहुत सारी कमेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसको लेकर। काफ़ी सारे लोगों के पोर्टफोलियो में भी ये फंड है। अब मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ पहले ही कि मैंने किसी को भी इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कभी नहीं रिकमेंड किया है, और न ही ये वीडियो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस अपने इन्वेस्टमेंट में बढ़े या फिर इन्वेस्ट कैसे करें आपको सीखने को मिले। अगर इस म्यूचुअल फंड की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो अभी से 8-9 महीने पहले इसका NFO आया था, फेब मार्च के दौरान में। 10 मार्च का आई थिंक ये लॉन्च हुआ था ये, और नॉर्मल मार्केट में म्यूचुअल फंड। तो उस टाइम पे मैंने पर्टिकुलरली एक वीडियो भी बनाया था और कहा था कि आपको NFOs में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पुराने फंड्स में इन्वेस्ट करो, न्यू फंड से दूर रहो, और खासकर NFO न्यू फंड ऑफरिंग से तो और दूर रहो। बट फिर भी बहुत सारे लोग ने इन्वेस्ट किया, और बहुत सारे लोग अब जानना चाहते हैं कि क्या इसके अंदर में करना चाहिए। तो चलो, जो लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर जो सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने की इसके अंदर में, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का होगा। तो पूरा वीडियो देखना, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आधे पर से देख के मत इधर उधर कमेंट मैसेज करने लगना। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करती है। तो जैसा कि ये एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है, तो इसमें मिनिमम एक रेस्ट्रिक्शन रहता है कि 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप एंड 25% स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट जानी चाहिए। उसके बाद जो 25% बचता है, उसको फंड मैनेजर अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग जैसा चाहे स्टेबिलिटी ग्रोथ जिस चीज़ के लिए चाहे इस्तेमाल कर सकता है, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके। तो अगर इस फंड के हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी देखते हैं यहाँ पे, तो स्मॉल कैप के अंदर में 26.12% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसके बाद अदर्स में 7.7 है, जो कि कैश एंड डेट की वैल्यू है। एंड लार्ज कैप के अंदर में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट 35% के पास किया गया है, एंड मिड कैप के अंदर 31% के पास इन्वेस्टमेंट किया गया। तो सबसे ज़्यादा लार्ज कैप में, देन मिड कैप में, एंड देन स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया गया है। मेजॉरिटी में जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड होते हैं, जो मल्टी कैप कैटेगरी के फंड होते हैं, वो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर ये फंड चाहे और इसके पास अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी हो, तो ये 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में, और चाहे तो 40% के आसपास भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता है और फास्ट ग्रोथ निकाल सकता है। ये अपॉर्चुनिटी मल्टी कैप फंड मैनेजर्स के पास होती है। चलो, तो यहाँ पे अगर देखते हैं एक्सपोजर इस फंड का, तो थोड़ा सा ये ग्रोथ और प्लस स्टेबिलिटी पे ज़्यादा जोर यहाँ पे दे रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लार्ज मिड में ज़्यादा एक्सपोजर है। अब अगर हम फंड की ओवरऑल रेटिंग की बात करते हैं, क्योंकि रेटिंग भी बहुत जरूरी है फंड की देखना, तो यहाँ पे रेटिंग इस फंड को नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि फंड सिर्फ 8-9 महीने पुराना है। लेकिन एक चीज़ फंड का मानना पड़ेगा कि यहाँ पे 8-9 पुराना फंड होते हुए भी लगभग 12,000 करोड़ का फंड साइज ये क्रॉस कर चुकी है। NFO के टाइम में ही 7-8 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आ गया था। तो ये कोई बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये SBI की स्कीम थी, और SBI का NFO था, और SBI का इतना बड़ा ब्रांच नेटवर्क। कई सारे SBI के फंड अच्छे परफॉर्म नहीं करते, लेकिन उसके अंदर में बहुत बड़ा बड़ा फंड का साइज इसलिए होता है क्योंकि SBI का ब्रांच नेटवर्क इतना बड़ा है, और काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इसके, काफ़ी सारे बैंक्स बहुत हेल्प करती है। तो इस कारण से SBI का स्कीम्स का फंड साइज बढ़ जाता है। चलो बात करते हैं फंड की कुछ टॉप होल्डिंग्स की। तो सबसे ज़्यादा TVS के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया है। TVS जो बाइक बनाती है उस कंपनी के अंदर 6.6% का, देन SBI का 5.8%, ICICI 5.3%, बजाज फिनांस 4.1%, डिवीज लैब्स में 3.9%, एक्सिस बैंक 3.7%, TTK प्रेस्टीज के अंदर में 3.5%, पेज 3.2%, KPR मिल्स में 3.1% एंड मारुति सुजुकी में 3.1%। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टॉप 10 ही होल्डिंग्स हम देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोजर है वो फिनांस के अंदर यहाँ पे इन्होंने लिया है। लाइक काफ़ी सारी कंपनीज टॉप 10 में से 4-5 कंपनीज तो फिनांस की हैं, उसके अलावा 2 हैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल की कंपनी, एंड बाकी अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी यहाँ पे निकल के आती है। अगर हम देखते हैं फंड का इक्विटी एलोकेशन, तो इक्विटी के अंदर 92.3% एंड ऑलमोस्ट 7.56% के आसपास कैश एंड डेट के अंदर फंड ने यहाँ पे होल्डिंग रखी हुई है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं, तो हमें टॉप 10 होल्डिंग से पता चल गया था, जैसा कि 20% का एक्सपोजर फिनांस में है, देन ऑटोमोबाइल में 15% एंड देन सर्विसेज में 10%, अदर्स 9%, देन टेक्सटाइल, केमिकल, कंज्यूमर, डिस्क्रेशनरी, हेल्थ केयर, मेटल्स एंड माइनिंग एंड इंश्योरेंस।
तो अगर नॉर्मली हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उससे आपका जो इसका सेक्टर एलोकेशन है वो काफ़ी डिफरेंस दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेक सेक्टर का कोई स्टॉक, मतलब एज ए टेक सेक्टर का स्टॉक तो होगा अगर पूरा होल्डिंग्स देखें, लेकिन एज ए सेक्टर टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, ना टेक्नोलॉजी ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं दिख रही है। और उसके अगर कुछ स्टॉक्स होंगे भी तो वो अदर्स में होंगे, क्योंकि बहुत कम एक्सपोजर होगा तो इसलिए अदर्स में इन्होंने डाला हुआ है। तो ये पहला फंड मुझे अभी दिख रहा है जितने फंड्स मैंने अभी रिसेंट में एनालाइज किए हैं जहाँ पे आईटी सेक्टर के अंदर में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एंड दूसरा इंश्योरेंस एज ए सेक्टर, देन मेटल्स एंड माइनिंग एज ए सेक्टर, ये पहला म्यूचुअल फंड मुझे दिख रहा है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इंश्योरेंस के अंदर, मेटल्स माइनिंग के अंदर, तभी ये सेक्टर अलग से दिख रहा है, नहीं तो ये भी अदर्स के अंदर चला जाता। तो यहाँ पे इसका जो सेक्टर लोकेशन है वो बाकी म्यूचुअल फंड से काफ़ी ज़्यादा अलग है, ये बात यहाँ पे मानना पड़ेगा। अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो वो इसने काफ़ी अच्छा यहाँ पे किया है, लाइक अलग अलग सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5% 4% का डिफरेंस है अलग अलग सेक्टर वाइज एलोकेशन में, तो वो एक अच्छी बात है। चलो यहाँ पे अगर बात करते हैं फंड के अल्फा की, बीटा की, शार्प रेशियो, शॉर्ट रेशियो, कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है क्योंकि फंड बिल्कुल नया है, तो इतनी जल्दी ये रेशियोज आपको देखने को नहीं मिलती है। एंड इसके बाद बात करते हैं रिटर्न्स की एंड रैंकिंग्स की, तो यहाँ पे क्योंकि फंड 8-9 महीने पुराना है तो एक साल का भी हमें रिटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जो ऑल टाइम का रिटर्न होगा वो मार्च से लेकर अभी तक का होगा, 6 मंथ का, 3 मंथ का एंड 1 मंथ का हमें रिटर्न देखने को मिल जाता है। जहाँ पे 10% का इसने 6 महीने में रिटर्न दिया है, 3 महीने में फ्लैट ही है और 1 महीने में भी फ्लैट है। अगर रैंकिंग की बात करते हैं तो 6 महीने में भी 14वें नंबर पे एंड 3 महीने में भी 14वें नंबर पे रैंकिंग है। तो डेफिनेटली ये जो शॉर्ट टर्म का टाइम पीरियड है जब से फंड लॉन्च हुई है तब से अभी तक की अगर बात करते हैं तो काफ़ी बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रही है। कुछ 13-14 फंड्स और ऐसे हैं जो इससे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में ये फंड रनिंग में भी चल रहा है पिछले 8-9 महीने से। अगर बात करते हैं फंड की एक्सपेंस रेशियो की, तो 0.80% का एक्सपेंस रेशियो एक मल्टी कैप फंड के लिए जो कि अपने रैंक में 14वें 15वें नंबर पे रैंक कर रहा है, मुझे थोड़ा सा हायर साइड पे ये एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे देखने में लग रहा है। अब अगर फंड मैनेजर की बात करें तो आर श्रीनिवासन एंड मोहित जैन है, जो कि दोनों ही काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैं, एसबीआई के कई सारे फंड्स भी मैनेज करते हैं। आई थिंक आर श्रीनिवासन ही एसबीआई का स्मॉल कैप फंड भी मैनेज करते हैं जो कि इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, ध्यान मुझे नहीं है लेकिन शायद यही करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फंड उतना बढ़िया नहीं परफॉर्म कर रहा है पा रहा है इनके अंदर में। और कोई ऐसी बात नहीं है, आर श्रीनिवासन और भी एसबीआई के फंड मैनेज करते हैं, लेकिन अब स्मॉल कैप के अलावा और कोई फंड भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है एसबीआई का, तो ठीक है कोई भी जैसे एक ही फंड मैनेजर है उसकी स्ट्रेटजी किसी अलग मार्केट कैप के स्टॉक्स पे अच्छी चलती है, किसी अलग मार्केट कैप के स्टॉक्स पे अच्छी नहीं चलती है, तो वो सबके साथ होता है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में, अगर एलोकेशन देखें तो अच्छा खासा 25-26% स्मॉल में भी है, 30 के आसपास मिड में भी है, 35 के आसपास लार्ज में भी है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे रेटिंग तो हमें देखने को मिलती नहीं है, ना कुछ एडवांस रेशियोज इस म्यूचुअल फंड के हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फंड का साइज अच्छा खासा हो चुका है, बहुत बड़ा मैं नहीं कहूँगा, एक मल्टी कैप फंड के लिए 10-12 हज़ार करोड़ का फंड साइज कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वहीं पे जब हम रिटर्न्स देखते हैं तो अगेन उतने अच्छे रिटर्न ये नहीं दे पाई है अपनी कैटेगरी में, 14वें नंबर पे रैंक कर रही है 6 महीने में, 3 महीने में। अब ये मैं जरूर यहाँ पे कहूँगा कि 3 महीना और 6 महीने का टाइम किसी भी म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने के लिए बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है कि उस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है, बट देन ये म्यूचुअल फंड भी नया है तो उससे पहले का तो हमें कुछ दिख ही नहीं सकता। तो यहाँ पे एक चीज मैं कहूँगा, जो लोग इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर चुके हैं वो थोड़ा वेट करें इसके अंदर, थोड़ा टाइम दे और म्यूचुअल फंड को हो सकता है इसकी परफॉर्मेंस ठीक हो जाए, और नहीं ठीक होगी तो डेफिनेटली एग्जिट करने के अलावा और रास्ता ही क्या है, क्योंकि आपने जल्दी में आके हड़बड़ी में आके या जो भी कहें, क्योंकि मार्केट में कई सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, मल्टी कैप के कैटेगरी में भी अवेलेबल है जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, फिर भी किसी आपने नए फंड में इन्वेस्ट कर दिया है तो कुछ तो आपने सोच समझ के इन्वेस्ट किया होगा, और आपने क्या सोच समझ के किस कॉन्फिडेंस से इस NFO में इन्वेस्ट किया था वो मुझे नहीं पता। तो अगर वो कॉन्फिडेंस आपका अभी भी बरकरार है तो आप बने रहो इसके साथ, और नहीं तो एग्जिट कर दो। अगर मेरी बात करते हैं तो मैं तो इसके अंदर इन्वेस्ट ही नहीं करता इन द फर्स्ट केस, मैं किसी भी NFO के अंदर तो डेफिनेटली इन्वेस्ट नहीं करूंगा जब तक कि वो NFO कुछ नया नहीं ला रही इस इंडस्ट्री में। अगर कोई न्यू फंड ऑफर है तो वो न्यू क्या ला रही है,
मान लो कोई स्मॉल कैप फंड का एनएफओ आ रहा है, तो स्मॉल कैप फंड तो इतने सारे पहले से अवेलेबल, तो मैं क्यों किसी नए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करूंगा जबकि मेरे पास इतने सारे बढ़िया परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड पहले से अवेलेबल हैं, जैसे आई थिंक निप्पॉन का या फिर महिंद्रा मैन्युलाइफ का किसी का तो अभी एनएफओ आने वाला था या आ चुका होगा स्मॉल, नहीं निप्पॉन का तो है पहले से, तो महिंद्रा का ही स्मॉल कैप का एनएफओ आया होगा, तो मैं क्यों उसके अंदर इन्वेस्ट करूं जब इतने सारे स्मॉल कैप फंड्स पहले से अवेलेबल हैं जो कि बढ़िया परफॉर्म भी कर रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, जिसके अंदर इन्वेस्ट करने में मुझे कॉन्फिडेंस फील होगा, मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा। तो डेफिनेटली मैं तो इन्वेस्ट करता ही नहीं पहले ही, तो इसलिए मेरा तो कुछ यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जो लोग भी इन्वेस्ट किए हुए हैं तो आपने जिस रीजन के कारण इसके अंदर इन्वेस्ट किया था वो रीजन अभी भी अगर बरकरार है तो इन्वेस्टेड रहो, नहीं तो एग्जिट कर लो। और अगर फंड की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जितने टाइम से ये मार्केट में है उतने टाइम से कोई बहुत बढ़िया परफॉर्म ये नहीं कर रहा है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई थी। आप कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले खुद से एक बार एनालिसिस जरूर कर लें।